हाय एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल सो आज के वीडियो में हम आपको अपना बैग्स कलेक्शन दिखाएंगे मैंने चाची को स्पेशली अपने साथ बिठाया और बोला कि आप एक एक करके सारे बैग्स दिखाओ सो फर्स्ट वन था ये एमके का बैग जो कि आप देख चुके हो वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्पेशियस बैग एंड सेकेंड वन है ये पोटली बैग इसके साथ ये चेन आती है और ये डिटैचेबल है हम इसे डिटैच भी कर सकते हैं और एज अ पोटली भी कैरी कर सकते हैं और एज अ स्लिंग बैग भी कैरी कर सकते हैं और यहाँ पर चाची अलग अलग स्टाइल से ना इसे उठा के मुझे दिखा रही थी कि हम इसे ऐसे कैरी कर सकते हैं हम इसे ऐसे कैरी कर सकते हैं विच वॉज़ टू क्यूट एंड देन इसके बाद ईशा पास कर रही थी चाची को सारे बैग्स और ये है शिनाइल की कॉपी जो चाची आई थिंक डेली से लाए थे एंड ये शायद उनकी सिस्टर ने दिया था आई एम नॉट श्योर बट ये बहुत क्यूट बैग था यार वो ना खुल नहीं रहा था तो हमने उसे ऐसे ही रख दिया एंड उसके बाद फिर ये नेक्स्ट बैग जो है ये इसका कलर काफ़ी सटल सा है मतलब बहुत रिच सी लुक देता है ये कलर मतलब ये कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगता है ये लाइट पिंक एंड क्रीम का कॉम्बिनेशन है और इसके साथ ये डिटैचेबल uh, स्टिंग uh, भी आता है इसे हम एज अ स्लिंग बैग भी कैरी कर सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं और इसके बाद है ये येलो वाला बैग ये देखने में इतना मतलब चटक सा लग रहा है बट बिलीव मी यू गाइज इसका कलर बहुत सुंदर है और ये बहुत अच्छा लगता है कैरी किया हुआ और ये हम ना वैसे मैं तो प्रेफर करूँगी कि जब हम कोई आ, मतलब जैसे लाइट शेड के कपड़े पहनते हैं जैसे बेज हो गया वाइट हो गया आ, तो उसके साथ ये काफ़ी अच्छा लगता है मतलब सिंपल आउटफिट को अगर एकदम मॉडिफाई करना है तो वो बैग ले लो उसके बाद फिर है ये वाला बैग ये स्लिंग बैग है ये चाची डेली वेयर में यूज़ करते हैं Uh, और ये भी आई थिंक इसे हम एज़ अ पाउच भी कैरी कर सकते हैं और इसकी स्ट्रिंग uh, भी दी हुई है तो हम इसे स्लिंग बैग भी बना सकते हैं और इसके अंदर दो कंपार्टमेंट हैं जो कि काफ़ी स्पेशियस हैं तो हम इसमें अपने मोबाइल फ़ोन कार्ड्स कैश वगैरह रख सकते हैं और इसे एज अ स्लिंग भी कैरी कर सकते हैं उसके बाद फिर जो नेक्स्ट बैग है वो है ये ब्लैक एंड वाइट सॉर्ट ऑफ मतलब वाइट नहीं था ये क्रीमिश सा कलर है ये बहुत अच्छा है और इसमें भी आई थिंक तीन कंपार्टमेंट्स हैं और वो भी काफ़ी स्पेशियस हैं और उसके अंदर हम काफ़ी सामान कैरी कर सकते हैं इसकी एक बड़ी वाल... वाली वाली आ... आ... स्लिंग भी है एंड हम इसे एज अंड बैग भी कैरी कर सकते हैं और उसमें ऑब्वियसली हमारा वॉलेट वगैरह सब आ जाता है उसके बाद है ये छोटा सा स्लिंग बैग ये तो हम स्लिंग बैग ही कह सकते हैं इसको क्योंकि इसकी बड़ी वाली चेन ही है हम इसे एज अ पाउच कैरी नहीं कर सकते और ये भी स्पेशियस है इसमें हम अपना मोबाइल फ़ोन वॉलेट ए टी कार्ड्स ये सब रख सकते हैं एंड ये ब्लैक कलर का है तो ब्लैक तो यार सदाबहार कलर है हमेशा काम आता है तो रखते हैं इस बैग को अब साइड पे एंड इसके बाद फिर हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट बैग की और जो अगेन है ये ब्लैक कलर का वेस्ट बैग और ऐसे बैग्स ना यार ट्रैवलिंग में बहुत काम आते हैं बिकॉज़ जब आप नहीं चाहते कि आप स्लिंग बैग कैरी करो तो सिंपली आप इसे अपने वेस्ट के अराउंड टाई कर सकते हो और इसमें आपका काफ़ी सामान आ जाता है कैश आ जाता है कार्ड आ जाता है या थोड़ा बहुत कुछ चॉकलेट या चिंगम्स वगैरह आ जाती हैं तो ये काफ़ी मतलब अच्छा रहता है उसके बाद फिर है ये ये वाला बैग आई थिंक ये लुई वटॉन की कॉपी है येस yes, एग्जैक्टली exactly, ये उसकी कॉपी है और ये मतलब दूर से तो एकदम सेम लगता है यार और इसके अंदर अगेन ना दो कंपार्टमेंट्स हैं जो कि काफ़ी स्पेशियस है मतलब हम लड़कियों के लिए अपना थोड़ा बहुत मेकअप कैरी करना है कार्ड कैश जो भी है हम थोड़ा बहुत सामान इसमें रख सकते हैं अपना परफ्यूम रख सकते हैं उसके बाद अगेन ये वाला बैग यार मेरा पूरे हॉल में से फेवरेट है मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा और इसकी स्लिंग इतनी स्टाइलिश थी ना यार और ये ना अनयूज है अभी एक भी बार यूज नहीं किया बट ये मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा मतलब इसका बहुत अलग सा कलर था चेरी चेरी सॉर्ट ऑफ कलर था बट एक रेड की वाइब भी आ रही थी तो बहुत अच्छा कलर था और इसकी स्लिंग सबसे ज़्यादा प्यारी थी एंड इसे रखते हैं अब साइड पे अब हमारा नेक्स्ट बैग जो है आई थिंक ये डियोर की कॉपी है येस yes, ये डियोर की कॉपी है हम ये इसकी स्लिंग डिटैचेबल है हम इसे एज अ पाउच भी यूज़ कर सकते हैं एज अ मेकअप किट यूज़ कर सकते हैं और एज अ स्लिंग बैग भी उसके बाद है ये छोटा सा बैग ये आई थिंक किसी ने गिफ्ट किया था तो इसमें इसमें ज़्यादा सामान नहीं आता इसमें सिर्फ फ़ोन और थोड़ा बहुत कैश ही आएगा उसके बाद है ये वाला थोड़ा बड़ा है ये बैग आ, ये हैंड बैग की तरह है इसका नाम एग्जैक्टली exactly क्या होता है वो मुझे नहीं अभी याद आ रहा क्योंकि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था अपने लिए ऐसा ही कुछ इसे कुछ और बोलते हैं बट अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था वो तो ये ब्राउन कलर का है और ये लेदर का है ये बहुत ही मतलब रॉयल सा लग रहा था और ये स्पेशियस तो है ही जैसा कि आप देख सकते हो बिकॉज इसका साइज बड़ा था तो इसे अब रखते हैं साइड पे एंड नेक्स्ट बैग जो है हमारा ये सुंदर सा क्लच है ये भी गिफ्ट में मिला था ये गुंजन ने ही गिफ्ट किया था ईशा को आई थिंक सो ये हमसे बहुत मुश्किल से ये खुला और आप देख सकते हो कि खोलने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है इसके अंदर एक स्लिंग भी है मतलब ये जो चेन है वो दी हुई है तो हम इसे एज अ स्लिंग बैग यूज़ कर सकते हैं और वैसे ये एज अ क्लच है ये ना पार्टी वगैरह में अच्छा लगता है एंड उसके बाद है ये पाउच ये आई थिंक मेकअप किट है बट हम ठीक है इसे एज अ पर्स भी यूज़ कर सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन अपार्टमेंट बट इट्स वेरी स्पेशियस मतलब uh, इसका साइज़ जो है अंदर से वो काफ़ी बड़ा है तो सामान इसमें ज़्यादा आ सकता है ऑल दो तो इसमें एक ही चेन है सो द नेक्स्ट बैग अप दिस ब्यूटिफुल वाइट कलर स्लिंग बैग एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल गोल्डन चेन विद अ स्लिंग रिटन क्रिस्टियन ड्योर ऑन इट इट जस्ट कंसिस्ट ऑफ वन अपार्टमेंट बट इट्स अगेन वेरी स्पेशियस एंड देन वी हैव दिस ब्राउन कलर्ड स्लिंग बैग विच इज़ नॉट सो स्पेशियस बट या इट्स गुड फॉर लाइक सिर्फ फैशन मारने के लिए अच्छा है बट उसमें सामान कुछ नहीं आता सिवाय कैश और कार्ड के उसके बाद मतलब उसमें फ़ोन भी नहीं आ रहा था मेरा मैंने डाल के देखा उसके बाद आता है ये बैक पैक ब्लैक कलर का है ये इसमें एक ही जिप है बट अंदर से काफ़ी स्पेशियस है तो uh, ये था हमारा बैक uh, पैक इस पूरे हॉल में एक ही बैक पैक है एंड उसके बाद आता है ये वाला पर्स Um, ये थोड़ा पुराना हो गया है सो इसकी हालत अभी ऐसी लग रही है बट ये भी इसमें दो तीन चेंज हैं और ये भी काफ़ी स्पेशियस है सो तो ये अगर हमें ऐसी कहीं लोकल मार्केट में जाना हो या पास तक जाना हो तो हम ले जा सकते हैं इसके बाद आता है ये कॉलेज बैग ये टोट बैग है और इसका साइज काफ़ी बड़ा है जैसे कि आप देख सकते हो और इसमें हमारा लैपटॉप और हमारी बुक्स आराम से आ सकती है सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाय थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो